बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपने तमाम सियासी ज़ुमा हमारी मखलूत हुकूमत के सरबरान और ज़ीवकार वज़राए कराम और तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और एक मरतबा फिर आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। आज हम सब फिर मिल बैठे हैं, ये माजी करीब में जो हमारी जो नशस्तें हुई और इस वक्त के जो मामलात हैं और चैलेंजेस हैं और सूरत हाल है उनके ऊपर गुफ्तगू हुई, उसके नतीजे में इकदामात उठाए गए और कौमी असेंबली और जॉइंट हाउस ने उन चैलेंजेस को डील किया और अदालत उज़्मा के हवाले से जो मामलात थे उस हवाले से आईनी और कानूनी इकदामात उठाए गए। मगर अभी भी सूरत हाल बड़ी चैलेंजिंग है। मिसाल के तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको पार्लियामान ने कबूल नहीं किया और ये एक मुतफक्का एक राय थी और फैसला था कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का या 5-2 का नहीं। और इसके ऊपर फिर पूरी पुख्तगी के साथ इसके ऊपर हमने अपना मौकफ कायम किया और आज भी हम सब ये समझते हैं और इसको मानते हैं कि फैसला 4-3 का है। मगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात को आगे लेके जाना चाहती है, तो इस बारे में आज हम फिर दोबारा इकट्ठे हुए हैं ताकि इसके ऊपर हम अपने पहले फैसले को दोबारा उसका अदा करें, उसको रिट्रेट करें। दूसरी बात वो ये है कि कल इसी बेंच ने फंड्स के हवाले से, जो इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसको पार्लियामान ने डील किया और आज भी मैं समझता हूँ कि पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं, जो करारदादें मंजूर की हैं, अब ये मामला भी पार्लियामान ही चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए और वो उस बारे में दोबारा अपनी राय को कौम के सामने लेके आए। और हमारा भी ये अखलाकी सियासी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस मामले में जो पार्लियामान ने जो पहले जो फैसले दिए हैं उसका एहतराम करें। तीसरी बात इस हवाले से जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने अपने फैसले में कहा, उससे हटकर मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आईन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि
एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज़ के अंदर तो मुकम्मल एका है और इत्तेफाक है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। मगर कौम को ये बावर कराने के लिए कि हम मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो चैलेंजेस हैं और जिसको पीटीआई की लीडरशिप ने इंतहाई अफसोस की बात है मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने उन चैलेंजेस को हल करने के लिए कोई तजावीज़ देने के बजाय उसको एक्सप्लॉयट किया, अपने सूबाई वज़राए ख़जाना को ये कहा कि आप IMF की जो शरायत हैं उनसे इनकार कर दें ताकि IMF के साथ मुआहदा न हो सके। पाकिस्तान के रास्ते में के पहले ही कोई मुश्किलात नहीं थी, कांटे नहीं थे, मज़ीद कांटे बिछाए गए ये कहकर कि ये साजिश अमेरिका ने की थी और फिर इतनी जढ़ाई और बेशर्मी से यू टर्न मारा, एक दिन गोया हुए कि अमेरिका ने साजिश नहीं की थी, ये साजिश के ताने माने पाकिस्तान के अंदर बुने गए थे। और यही नहीं, किस बुरी तरीके से हमारे खारजी ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी तफसील मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, मगर इसका सबको इल्म है। और फिर किस तरह इस इत्तेहादी हुकूमत ने वज़ीर ख़ारजा से लेकर आप सब ने मैंने अपना हिस्सा डाला और मामलात को ठीक करने के लिए अपने पूरा ज़ोर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी तो आई है, मगर मैं ये कहूँ कि ये मामलात अब सब तसल्ली बख्श हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं ये कहने के काबिल नहीं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने में कोई कमी नहीं की गई, तकसीम दर तकसीम माशरे में की गई, जहर घोला गया, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला तबका हो, उन सब में तकसीम पैदा कर दी गई। उस्ताद को तालिब इल्म से, आजर को अजीर से, सियासतदान को वर्कर से, यानी हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के तमाम मौके पैदा किए गए। हत्ता के जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको भी माफ़ नहीं किया गया, उनकी लीडरशिप को पाकिस्तान से बाहर चंद एजेंट्स ने, और मैं बिल्कुल वाजे बात करूंगा, वो PTI के एजेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने वो घिनौना किरदार अदा किया कि शायद दुश्मन भी वो किरदार अदा ना कर पाता। और इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह के बयानात जारी किए गए और ग्राफिक जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया में दी गई कि यानी इंसान, मेरे जैसा आदमी हैरान परेशान हो गया कि अपनी ज़ात के लिए, ज़ाती अना के लिए, ज़ाती इक्तदार के लिए पाकिस्तान के हर मकसद को बुरी तरह कुर्बान किया जा रहा है। तो ये वो सारे मामलात हैं जो हम सब के सामने हैं। मैं आज अपनी बात को ख़त्म करते हुए खतामन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 3-4 अब हमारे सामने मामलात हैं जिनके ऊपर पार्लियामान
अपना फैसला दे चुकी है, और अब फिर दोबारा चूंकि कल हमें बताया गया है कि जनाब आपने बताना है, तो ये मामला फिर पार्लियामान ने इसको इसका फैसला करना है, ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना। जो जो गुफ्तगू की बात है उसके बारे में एक राय है सबकी, और एक मैं ये कहूँ कि एक ओवरवेलमिंग राय है कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। तो उसकी क्या उसकी फॉर्मेट होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, उसका हम फैसला बिल्कुल बैठ के कर सकते हैं। एक राय ये भी है कि हम स्पीकर नेशनल असम्बली के ज़रिए हम ये बात उन तक पहुँचाएँ, और वो जो पार्लिमानी जो कमेटी है वो इस मामले को टेकअप कर सकती है और पार्लिमान में इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है पार्लिमानी कमेटी, ताकि कौम ये जान सके कि इस इत्तेहादी हुकूमत के ज़ोरमा ने अपनी आखिरी कोशिश कर ली कि एक दिन इलेक्शन की तारीख के ऊपर सब इकट्ठे हो जाएं, और उसके ऊपर हमने अना को अपना मसला नहीं बनाया जिस तरह उन्होंने हमेशा बनाया, चाहे वो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो हिंदुस्तान की चीरा दस्तियाँ हों, चाहे वो दूसरे कौमी मामलात हों, कोविड हो, कभी उन्होंने ये मुनासिब नहीं जाना कि कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने के लिए वो अपनी अना को नीचे ले आएं और ज़ाति पसंद और पसंद को एक तरफ कर दें। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज फिर मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका।